लोगों के बीच प्रेगनेंसी को लेके, कॉन्सेप्शन को लेके या फिर कंसीविंग को लेके ना, कपल्स में या फिर फीमेल्स में, दोनों में ही ना, मतलब कि काफ़ी मिथ्स भरी पड़ी है। लोग इसको ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इसीलिए वो ट्रस्ट करते हैं कि वो सोचते हैं कि इससे प्रेगनेंसी जो है वो प्रिवेंट हो जाएगी। और उन्हें ये कहा जाता है कि अगर तुम प्रेगनेंसी नहीं चाहते तो फिर इंटीमेसी के बाद ये करो वो करो, इससे प्रेगनेंसी नहीं होती है, हमने सालों से आजमाया है। बहुत से ऐसे मिथ्स हैं जो लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, और उनमें से एक ये है कि अगर आप इंटीमेसी के बाद यूरिन पास करते हो, पी करते हो, तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं रहते। पर ये फ्लैशिंग वाला आइडिया कितना काम का है? वेल, वजाइना जो है वो दो ओवरीज और एक यूटरस के साथ एक कैनल के साथ जुड़ के बॉडी से बाहर कनेक्ट होता है, और इसी कैनल से चाइल्ड बर्थ भी होता है, लोग इंटीमेसी में इन्वॉल्व होते हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट है यूरिन पास करने का। यूरिथ्रा जो है वो ब्लडर के साथ कनेक्ट होके बॉडी के आउटसाइड कनेक्ट होता है, आउटिंग जोन में। क्या दोनों सिमिलर कॉन्सेप्ट में बनता है? आप खुद ही सोचो, दोनों की फंक्शनिंग और मैकेनिज्म अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है, कोई भी कनेक्शन नहीं है इसका। और यूरिन पास करके यूरिथ्रा से ये एक्सपेक्ट करना कि वो वजाइना को पूरा एम्प्टी कर देगा, ये कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आप टीवी चला रहे हो एसी के रिमोट से, ये सोच के कि दोनों ही तो रिमोट है या फिर दोनों ही तो रेक्टेंगल्स मतलब के शेप में है और दोनों ही एक ही जैसा ऑन या ऑफ कर सकता है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी अगर फीमेल प्राइवेट पार्ट से यानी कि वजाइना से अंदर जाए तो उसे कभी भी यूरिन नहीं रोक सकता। और एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है, यूरिन पास करके आप एसटीडी को भी नहीं रोक सकते, सिर्फ प्रोटेक्शन ही उसे प्रिवेंट कर सकता है। फिर आप ये भी तो क्वेश्चन कर सकते हो कि मैम आप तो फिर बहुत सारी वीडियोस में कहते हो कि इंटीमेसी के बाद ज़रूर यूरिन पास करनी चाहिए, तो आप ऐसा क्यों कहते हो? चलिए इस कॉन्सेप्ट को मैं आज क्लियर करती हूँ। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जो वजाइनल ओपनिंग होती है और जो यूरिथ्रा की ओपनिंग होती है, दोनों बहुत क्लोज होते हैं, और इंटीमेसी के दौरान स्पेशली अगर वो अनप्रोटेक्टेड प्रोटेक्शन के साथ भी हो, बहुत सारे बैक्टीरियस होते हैं जो हार्मफुल होता है, वो यूरिथ्रा ओपनिंग से अंदर पहुंच जाता है, यूरिथ्रा कैनल में पहुंच जाता है या फिर वो ब्लडर तक पहुंच जाता है। और अगर आप इंटीमेसी के बाद संग संग यूरिन पास करते हो तो वो जो हार्मफुल बैक्टीरियस होते हैं वो ब्लडर से या फिर जो यूरिथ्रा कैनल है उससे बाहर आ जाता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको बुरी तरीके से इन्फेक्शन हो सकता है, लाइक फंगल इन्फेक्शन हो या फिर यूटीआई जो होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, कोई भी हो जो बहुत हार्मफुल साबित हो सकता है आपके लिए। तो यस, एक तो कनेक्शन है ही, अगर आप पी करते हो या इंटीमेसी के बाद तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, यानी कि 80% चांसेस होता है कि वो इन्फेक्शन जो है वो कम हो। फिर अगर आपको हेल्दी हैबिट है यानी कि इंटीमेसी के बाद संग संग वॉश कर लेना और अपने प्राइवेट पार्ट एरिया को हमेशा क्लीन और हाइजीनिक रखना, तो फिर आपको इन्फेक्शन के चांस तो वैसे ही नहीं रहते। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट अगर आप इंटीमेसी के बाद पी करते हो तो इससे आपको प्रेगनेंसी कभी प्रिवेंट नहीं होगी। सो प्लीज़ अवॉइड दिस टाइप ऑफ सिली मिथ्स। और अगर आपको स्पेशली प्रेगनेंसी प्रिवेंट करनी ही है तो बहुत सारे ट्रिक्स हैं जिसका इस्तेमाल कर सकते हो, अदरवाइज एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रसेप्शन ही आपको प्रेगनेंसी से प्रिवेंशन दे सकता है। वीडियो अगर पसंद आए तो व्यूअर्स तो लाइक ज़रूर करो, शेयर ज़रूर करना, ताकि और भी अगर किसी के दिल में ऐसी कोई बात है, कुछ मिथ्स हैं, वो क्लियर हो जाए। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो अगर आप मेरे चैनल पर ऐसे टाइप के वीडियोज़ देखना चाहते हो जो कि इन्फॉर्मेटिव होती है। थैंक यू, बाय।